हेलो स्टूडेंट सारे नूं सत श्री अकाल। जिमें कि तुहानू पता ही है कि आपां मैथ 10th क्लास दा कर रहे हाँ, क्लास 10th। आज जो आप एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं वो 8.2 एक्सरसाइज पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड NCERT नाल संबंधित। इस क्लास तो पहला जो इस क्लास दे नाल संबंधित फार्मूले होंदे है उसनू मैं अपनी वीडियो दे विच पाया सी। उम्मीद करदा कि तुसी सारिया ने वह वीडियो वेख ली होवेगी ते फार्मूले आ जिहड़े वह याद कर ले होणगे। जिन्हां ने वह वीडियो नहीं देखी तां वह इस एक्सरसाइज नू समझण तों पहला वह वीडियो जरूर देखण तां जो तुहानू सारे फार्मूले आ जिहड़े वह बनाउणे आ जाण। जिन्हां बच्चों ने चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल नू सबसक्राइब कर लो ता जो तुहानू मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है जिहड़ी वह पहला ही मिल जाए ते नाल ही बैल आइकन नू दबाना ना भुल्लियो। हुण आपां शुरू करदे हां अपना फस्ट सम जिस दी आपां नू रकम स्टेटमेंट दित्ती हुई है। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री फिर कोस 60 डिग्री। तुसी जिवें कि वेख रहे हो कि आह जो साइन 60 डिग्री ते कोस 30 डिग्री है इहदे विचाले कोई भी साइन इन्हां ने नहीं दिता। जेकर कोई साइन ना दिता होवे तां साइन असीं गुणा दा मनना हुंदा है, ठीक है, जिहनूं असीं मल्टीप्लाई साइन कहिंदे आ। तां आपां इहनां दी वैल्यूज़ पुट करांगे, जदों आपां इहनूं बेटे हल करांगे तां हल दे विच आपां करांगे इहनूं साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री। तो जिमें कि आपू पता है भी साइन 60 डिग्री है जोड़ा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होंगी है √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू होंगी है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होंगी है 1/2 कोस 60 की वैल्यू होंगी है 1/2। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ 3 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 3/4 ਹੈ ਪਲੱਸ 1/4 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਐਲਸੀਅਮ, 4 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਜੇ ਐਲਸੀਅਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਅਤੇ 4 ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, ਫਿਰ 2 ਅਤੇ ਕੀਤਾ 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 × 4। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਅਮ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। 4 × 1 = 4 हो गया, यानी कि विचाले अपने को 1 आएगा, 1 नू 3 ना मल्टीप्लाई करांगे 3 आएगा, 4 × 1 = 4, 1 आ गया, 1 नू 1 ना मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो ये अपने को बन जाएगा 4/4। 4 नू 4 ना कट देंगे 1 अपने को आंसर आ जाएगा। इस तरीके दे नाल इह सम है जिहड़ा इह सोल्व होना सीगा। हुण आपां करदे हां ऐसे ही एक्सरसाइज का दूसरा सम जिंदे विच आपां नू दित्ता होया 2 tan² 45 डिग्री है प्लस कोस स्केयर 30 डिग्री है माइनस साइन स्केयर 60 डिग्री है। तो इन आप टैन 45 की वैल्यू है जी फिल अप करांगे। टैन 45 की वैल्यू है जी 1 होंगी है, 1 का स्केयर लग गया क्योंकि उरे टैन का स्केयर दिता होगा, प्लस कोस 30, कोस 30 की वैल्यू है जी 1/2 होंगी है, इनका स्केयर लग गया। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू 1/2 होंगी है, इनका स्केयर लग गया। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਜਦੋਂ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ, 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ, 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਜਾਏਗੀ। 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਲੱਸ 1/4 ਮਾਈਨਸ 1/4। ਆਹ 4 ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇਹ 1/4 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਜੋ 8.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ
तीजा ते चौथा सम लैके अज ले आना ही। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय।